सम्मानित मंच और खास तौर पर हमारे बीच में आप अंदाज लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र कैसा है, संगठन कैसा है, विचार कैसा है। जम्मू कश्मीर से आदरणीय निर्मल सिंह जी का आना ये पार्टी के प्रति समर्पण का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। हमारे बीच में नितिन भाई बिराजे हैं, मैं खुद भी चुनाव लड़ रहा हूं और उस चुनाव के बीच में पार्टी के आदेश को सिर माथे रखते हुए अभी दूदू में नामांकन दाखिल किया। बगरू में मेरा आना, बगरू की और कैलाश जी की मेरे लिए कितनी अहमियत आप समझ सकते हो, कितनी व्यस्तता के बीच में भी आपके दिखना है। अभी बस्सी भी जाना है, हरिमोहन जी बार बार मुझे इशारा कर रहे हैं, लेकिन आप सब लोगों से, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर चुनिंदा कार्यकर्ता है जिनको मैं शक्ल और नाम से जानता हूँ, इसलिए आपसे अनुरोध है, ये केवल उम्मीदवार का चुनाव नहीं है, तो ये समझ ले कि कैलाश जी ही चुनाव लड़ रहे हैं। कैलाश जी भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पर चुनाव लड़ रहे हैं और प्रधानमंत्री जी ने आपके ही क्षेत्र में यहाँ एक बड़ी सभा में घोषणा की थी कि हमारा चेहरा कमल का फूल होगा, तो कमल के फूल के आगे बाकी सारी चीजें निर्मूल हैं। हमें इस कमल के स्वाभिमान के लिए, कमल के सम्मान के लिए काम करना है। देश में और प्रदेश में जब जब हमारी सरकारें रही हमने लोक कल्याण का काम किया है। आदरणीय भैरव सिंह शेखावत जी से लेकर वसुंधरा जी तक की सरकारों ने राजस्थान की व्यवस्थाओं को बदलने का काम किया है, बुनियादी विकास को ताकत दी है और आज भी मोदी जी की सरकार, भले ही यह कांग्रेस की सरकार है, लेकिन उस सरकार ने बड़ी उदारता के साथ 77 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की सौगात राजस्थान के किसानों को दी है। हमारी 63 लाख बहनों को उज्ज्वला की सौगात दी है, 83 लाख बहनों को शौचालय और इस तरीके के स्वच्छता की सौगात दी है। मुझे लगता है कि 17 लाख लोग ऐसे थे जिनके सर पे छत नहीं थी और कोई जमाना था जब कांग्रेस पार्टी के राज में इंदिरा आवास की योजना चलती थी, लेकिन वो न आकाश में थी न पाताल में थी, लेकिन मोदी के राज में प्रधानमंत्री के आवास, ये आपको सुसज्जित आवास सब गांव में दिख जाएंगे। ऐसे 17 लाख लोगों को छत देने का काम भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। इसलिए मुझे लगता है कि जो पिछले 5 सालों में अराजकता थी, जो कमी थी, जो तकलीफ थी, वो बदहाल कानून व्यवस्था विरासत में मिली कांग्रेस के जरिए, राजस्थान भ्रष्टम राज्यों में शुमार हो गया, बेरोजगारी और पेपर लीक नौजवानों के सपने के तोड़ने जैसा काम किया और तुष्टिकरण की पराकाष्ठा थी कि रामनवमी पे प्रतिबंध कहीं लगा तो राजस्थान में लगा, और इसलिए ये तमाम मुद्दे हैं जिन मुद्दों के आधार पर हम सब लोगों को इस चुनाव में जाना है। इस क्षेत्र के भी, बगरू के भी कुछ अधूरे काम रहे होंगे, उनको पूरा करना है। उनको पूरा करने के लिए राजस्थान में डबल इंजन की सरकार जरूरी है। मोदी जी का इंजन तो मजबूत है, लेकिन राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी के मजबूत इंजन की सरकार बने और उस सरकार के डिब्बे में कैलाश वर्मा जैसा योग्य व्यक्ति जुड़े, इसके लिए जरूरी है, इसके लिए जरूरी है कि आप सबको कैलाश वर्मा मान के, मोदी जी मानकर, जो हमारी व्यवस्था और रचना है बूथ की, एक एक बूथ पर एक एक कार्यकर्ता पूरी मजबूती से जुटेगा तो दुनिया की कोई ताकत बगरू को जीतने से रोक नहीं सकती। और इसलिए आप सबको गर्वित प्रार्थना है कि नामांकन के बाद एक बार फिर से एक मजबूत गति आनी चाहिए, आप सब लोगों को मजबूती से लगना चाहिए। मुझे दूर से दिखाई दे रहा है, काफ़ी लोग आते हैं इंटरव्यू के लिए, पूछते भी हैं कितनी सीटें आएंगी, क्यों आएंगी। तो राजस्थान में राज बदलने के बहुत सारे कारण हैं, वो कारण आज भी मौजूद हैं और इसलिए कई बार पूछ भी लेते हैं कितनी सीटें आएंगी, तो मैं कहा भाई मैं ज्योतिषी तो हूँ नहीं, लेकिन 150 पार बीजेपी दिखती है साफ तौर पर। उस 150 की बारात में बगरू के लोग भी आनंद लें, यही निवेदन आप लोगों को है। बहुत बहुत धन्यवाद।